नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रीति की स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहा है, आईओटी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें, ये जो स्मार्टफोन ब्रांड्स का आईटी ब्रांड्स बहुत ही अफेक्ट हुए लॉकडाउन में। चाइना से माल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जो कि इंडिया में लगा के बेचते हैं, मेड इन इंडिया थप्पा लगा के। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में तो नंबर 1 पोजीशन में लीड करते हैं Xiaomi। तो Xiaomi जो ब्रांड से हम लोग को बहुत सारे स्मार्टफोन्स बहुत ही बेटर प्राइस में मिलता है, उसके साथ साथ कंपटीटर भी बहुत सारे ब्रांड है। फिर हम लोग अगर मैं बात करूं Xiaomi का आईओटी प्रोडक्ट से लेकर पावर बैंक से लेकर ईयरबड्स भी लॉन्च कर दिया Xiaomi, रेडमी ईयरबड्स 1800 का जो मिलता है, या फिर रेडमी का मास्क भी आपको मिलता है, जो कि आपका कोरोना जो वायरस चल रहा है इससे बचने के लिए भी आपको बहुत ही चीप प्राइस में लॉन्च करें। अगर मैं बात करूं Xiaomi का बैग, ऐसे ही बहुत सारे Xiaomi का जो आपका मी एयर प्यूरिफायर भी लॉन्च हुआ है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो मी साउंड बार भी लॉन्च हुआ है, ऐसे मी टीवी भी लॉन्च हुआ है। मी टीवी जो Xiaomi का है बहुत ही हाईलाइटिंग हुआ था ये मी टीवी। लेकिन दोस्तों, मन्नू कुमार जैन जो Xiaomi के सीईओ है, तो वो अभी जो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का बिजनेस लीडिंग पार्टनर Xiaomi इंडिया का, तो अभी अपना इंस्टाग्राम पेज में एक तो ट्वीट मतलब पोस्ट किए, एक तो वीडियो जिसमें बोलते हैं इट्स जस्ट वेट ओवर, और एक तो लैपटॉप दिखाई जा रहा है उनका वीडियो में। तो ये कन्फर्म है कि Redmi इंडिया जो है Xiaomi, तो बहुत ही जल्दी लैपटॉप लाने वाला है इंडिया को। तो उसमें सर, अगर मैं बात करूँ मी लैपटॉप का, तो पहले से चाइना में बहुत सारे मी लैपटॉप हैं, मी एयरबुक, रेडमी एयरबुक बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा वो चेंज होकर लाने वाला है, स्पेक्स में थोड़ा डाउन करने लाने वाला है और प्राइसिंग भी थोड़ा ठीक ठाक रखने वाला है। वो जो स्पेक्स है पूरा लीक हो गया और लॉन्च डेट भी कन्फर्म हो गया। आज की इस वीडियो में आपको वो सब कवर करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर मैं बात करूं Xiaomi का लैपटॉप का, तो जो Redmi Book Air जो कि मीन नोटबुक Air जो भी आने वाला है, तो अगर मैं बात करूं लैपटॉप इंडस्ट्री का, तो पहले से बहुत सारे ब्रांड अपना काया विस्तार करके बैठे हैं। अगर मैं बात करूं लैपटॉप में, तो उसमें आता है गेमिंग लैपटॉप एक तो आता है, और एक तो स्टूडेंट्स लैपटॉप आता है, और एक तो पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप आता है, जो कि थोड़ा ऑफिशियल यूज होने के लिए। बात करता हूँ लैपटॉप का, तो लैपटॉप का प्रोसेसर भी बहुत सारे इंटेल है, एमडी रेजन है, सब बहुत सारे प्रोसेसर हमको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ लैपटॉप इंडस्ट्री का लीड करने वाला पोजीशन में आसुस फास्ट रहता है, जो कि हर कैटेगरी में उनका लैपटॉप है, 22,000 से लेकर के 1,00,000 तक लैपटॉप आपका आसुस का मिल जाता है। बात करते हैं आपका डेल का, तो डेल का भी बहुत सारे लैपटॉप है, लेकिन प्रोसेसर भी मतलब इंटेल का लगाते हैं और कुछ कुछ एएमडी का भी लगाते हैं। तो इसमें Lenovo भी लीड करता है, Lenovo भी गेमिंग लैपटॉप लॉन्च करता है। लेकिन Xiaomi जो प्लान कर रहा है, और जो अपना इंस्टाग्राम का पोस्ट में जो मन्नू कुमार जैन ट्वीट किए हैं, जो मतलब पोस्ट किए हैं, हेलो एवरीवन, आवर बीस्ट इज कमिंग, और लैपटॉप में टैग दिए हैं Lenovo, Dual, या फिर आपका बोलते हैं Asus को, ऐसे ही बहुत सारे टैग मारे हैं। तो लीड करने वाला ब्रांड तो उन लोग से बैठे हैं। इसे ही Redmi जब मोबाइल का इंडस्ट्री में आया था, बहुत सारे पोजीशन में लीड कर रहे थे बहुत सारे ब्रांड, जैसे बोलते हैं माइक्रोमैक्स भी बहुत लीड कर रहा था उस टाइम, लावा लीड कर रहा था, नोकिया लीड कर रहा था, ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड से जो पहले से अपना बैठे थे इंडिया में लीड करके, फिर भी आके इंडस्ट्री में आके धमाका मचा दिया, अभी नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। टीवी में भी ये नंबर 1 बन गया है। टीवी का बात करें तो सोनी है, या फिर आपका माइक्रोमैक्स है, ऐसे भी बहुत सारे वीडियोकॉन है, तो उनके बीच में भी ये लीड कर दिया ये Xiaomi। बात करते हैं Xiaomi का लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन क्या है, क्लियर बता देता हूँ। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये जो स्पेसिफिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंटरनल सोर्स से मिला है, तो आप अगर इसको फेक सोचते हैं तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ, Xiaomi दो लैपटॉप लॉन्च करने वाला है, Redmi Book 16 Ryzen Edition एक तो लॉन्च करने वाला है। फर्स्ट बात करते हैं 16 Ryzen Edition का, Ryzen Edition मतलब आपको प्रोसेसर जो मिलने वाला है वो AMD Ryzen का मिलने वाला है। AMD Ryzen का मिलने वाला मतलब ये समझ लीजिए AMD का जितने सारे लेटेस्ट प्रोसेसर रहता है, Ryzen 5 ये जो रहता है, तो इसमें आपको ये Ryzen 5 मिलेगा, वो लेटेस्ट आपको गेमिंग प्रोसेसर बोल सकते हैं। गेम वगैरह आप हार्डकोर खेलते हैं, मतलब गेम में थोड़ा आपका इंटरेस्टेड है, पबजी वगैरह कुछ भी लैपटॉप में खेलते हैं, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा। डिस्प्ले का अगर मैं बात करूं, तो इधर आपको 16 इंच का एक डिस्प्ले मिलेगा। अगर मैं पिक्सल साइज का बात करूं, तो इधर आपको 1920x1080p मिलेगा, फुल HD बोल सकते हैं। रैम का बात करें तो आपको इधर 8GB का रैम मिल जाएगा। रोम का बात करें तो आपको इधर 512GB का रोम मिल जाएगा। वेट का बात करें तो आपको इधर मिल जाएगा 1.8 kg का वेट मिल जाएगा।
साइज तो मैं आपको बता दिया, अगर मैं बात करूँ डिजाइन का तो डिजाइन में आपको मेटल डिजाइन मिलेगा पीछे तरफ से, हल्का फुल्का प्लास्टिक भी यूज हुआ है लेकिन मेटल का फिनिशिंग मिलेगा और बहुत ही ग्लॉसी डिजाइन मिलेगा। तो आपको जो लैपटॉप का जो एक्सपीरियंस है, आप चलाते हैं लैपटॉप का, तो आप फिल्म वगैरह अगर आप देखते हैं तो डिस्प्ले में आपका अगर अच्छा नहीं रहेगा, पिक्सल डेंसिटी जो भी अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको डिस्प्ले में इतना मजा नहीं आता है। और फिर साउंड का मैं बात करूँ तो आपको इधर डॉल्बी एटमॉस पहले से देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं आपको रिफ्रेश रेट का, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो टॉप स्क्रीन मोबाइल में तो आप 120 रिफ्रेश रेट बोल सकते हैं, लेकिन स्मार्ट जो लैपटॉप में इधर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। गेमिंग वगैरह अगर आप करते हैं लैपटॉप में, कुछ आपका मॉडल कॉम्बैट एक्स, मॉडल कॉम्बैट 5 या फिर आपका IGI GTA Vice City कुछ भी करते हैं, तो आपको गेमिंग में जो एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ही बेटर देखने को मिल जाएगा। HDMI पोर्ट का बात करें तो आपको इधर 2-3 पोर्ट मिल जाएगा जो कि USB कनेक्ट करने के लिए, एंड आपका ब्लूटूथ वर्जन इधर 5 मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट है। ब्लूटूथ 5.1 ब्लूटूथ 5 दिया है, फिर भी आपको लैपटॉप कनेक्टिविटी में बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं बात करूं इसका बैटरी का, तो बैटरी आपको ये बोलता है कि अपना बैटरी कंफर्म नहीं किया लीक स्पेसिफिकेशन में, लेकिन बोलता है कि जो बैटरी दिया गया बहुत ही बड़ा बैटरी इसमें लगा है, जो कि लैपटॉप में अगर आप दिन भर भी यूज करते हैं तो आपको इतना कुछ नहीं होगा। फिर ये बोलता है कि स्पेशली ये फॉर गेमर्स के लिए बना है, मतलब आप बजट में भी गेमिंग लैपटॉप पा सकते हैं, जो कि अगर गेमिंग लैपटॉप रहेगा उसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का मैं बात करूं तो आपको गेमिंग वगैरह आप करते हैं तो इतना आपको बैटरी देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो आपको इधर विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, तो एक्सपांडेबल आप स्टोरेज इधर कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप का मैं प्राइसिंग का अगर मैं बात करूं तो ये 30 से लेकर 35K का अंदर, 30 से 35 हजार का अंदर लॉन्च हो सकता है। अगर मैं बात करूँ सेम लैपटॉप जो चाइना में लॉन्च हुआ है, सेम स्पेसिफिकेशन नहीं है दोस्तों, उधर थोड़ा अलग होके हुआ है। मनु कुमार जैन जो ये फाइनल किए थे यूट्यूब एक तो आपका टेक्निकल गुरुजी चैनल या फिर ट्रैकिंग टैंक चैनल, उनका साथ बैठ के तो बात कर रहे थे, जो कि बोले कि चाइना में जो लैपटॉप का बजट रेंज है 50,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया मार्केट का तो इधर हम लोग ढूंढते हैं 25 से लेकर 30,000 का अंदर स्टार्टिंग रेट। तो इसलिए बोले थोड़ा स्पेसिफिकेशन आपको डिक्रीज करके देने वाला पड़ेगा, लेकिन अगर वो लैपटॉप ले आते इंडिया को तो उसका प्राइस लगभग 60,000 हो सकता था, क्योंकि वो टॉप स्क्रीन लैपटॉप था। तो जो भी है 30 से 35 हजार के अंदर रेडमी बुक 16 जनरेशन मिल जाएगा। देन बात करते हैं सेकंड लैपटॉप का, थोड़ा उससे डिक्रीजेबल है लेकिन इसका स्पेसिफिकेशन आज इक्वल टू सेम मिल जाता है, रेडमी बुक 14 राइजन एडिशन। इसमें भी आपको AMD 5 राइजन का प्रोसेसर मिल जाएगा। साइज का बात करें तो आपको इधर 14 इंच का साइज मिल जाएगा। डिस्प्ले का बात करें तो इसी सेम 1920x1080p पिक्सल जो कि फुल एच डी डिस्प्ले मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट का बात करें तो आपको इधर भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। रैम का बात करें तो आपको इधर 8GB का रैम मिल जाएगा एक्सपांडेबल जो है, और इंटरनली दिया 512GB का। बात करते हैं ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ में इधर आपको 5 ब्लूटूथ 5 मिल जाएगा। वेट का बात करें तो 1.2 kg का वेट इधर देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो आपको इधर विंडोज 10 मिल जाएगा, वैसे एक ग्लॉसी डिजाइन आपको देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा उसे छोटा रहेगा। तो लैपटॉप पे 8 मिला के तो आपका कर्व डिजाइन भी रहेगा या फिर आपको डिस्प्ले में भी रिफ्रेश रेट ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीजेबल है, थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है। ये प्राइसिंग का अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30K का अंदर मिल जाएगा। ये दो लैपटॉप कंफर्म हो गया, जून के महीने में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है एक लैपटॉप खरीदने के लिए, तो सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन में मैं क्या लैपटॉप खरीदूं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि Xiaomi जो है मार्केट में जो भी लॉन्च करता है बहुत ही धमाल के तरीके से लॉन्च करता है, स्पेसिफिकेशन में कुछ अलग दे देता है जो कि ये दूसरे से थोड़ा यूनिक बन जाता है। अगर मैं बात करूं कंक्लूजन पार्ट का, तो कंक्लूजन पार्ट में इधर आपका बहुत सारे ब्रांड भी हम लोग को प्रेजेंट करते हैं अच्छे से लैपटॉप। Asus का लैपटॉप कुछ भी खराब नहीं है, वो खुद का लैपटॉप इतना डिजाइन करता है, इतना ऑप्टिमाइज करके रखता है कि गेमिंग वगैरह में भी Asus को बहुत ही पहचान माना जाता है, क्योंकि रॉग फोन वगैरह में बात करूं तो Asus का जितना भी गेमिंग लैपटॉप है बहुत ही हैवी तरीके से रहता है। लेकिन Xiaomi प्लान कर रहा है कि बजट में गेमिंग देने के लिए AMD Ryzen 5 के साथ, तो देखते हैं आखिर ये AMD Ryzen 5 कितना ऑप्टिमाइज होकर आता है Xiaomi के लैपटॉप में, और हम लोग को प्राइसिंग अपनो जो ये लीक हुआ है ये सेम अगर हम लोग को देखने को मिल जाएगा तब तक मजा आ जाएगा। तो लैपटॉप में अगर ये AMD Ryzen 5 दे दिया तो इस बजट में कॉम्पिटिटर है Lenovo, सोनी भी है, सोनी का थोड़ा हाई बजट रहता है, Asus भी है, तो इनके साथ ये कॉम्पीट कर सकता है कि नहीं, जब ये लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक आप अगर तो ईयरफोन लेना चाहते हैं कि लॉकडाउन में ईयरफोन लेने चाहते हैं कि ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ स्पीकर, तो मीवी ट्राई कर सकते हैं, मीवी का मूनस्टोन
मीवी का डुओ पोर्ट्स एंड मीवी का कलर, ये तीनों जो इनका प्राइस घट चुका है, अभी मीवी अपना सेल चला रहा है 50% ऑफ में आपको ये चीज मिल जाएगा। मीवी का डुओ पोर्ट्स भी सेल चल रहा है, मीवी का कॉलर भी सेल चल रहा है। ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स चाहिए तो आप मीवी का डुओ पोर्ट्स ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से ये मिल जाता है आपको। इधर चार्जिंग का केस मिल जाता है, बहुत ही स्पीड से चार्जिंग होता है। एंड बैटरी का बात करें तो आपको इधर अप टू 1 वीक तक बैटरी रख सकता है। एंड आप अगर ट्राई करते हैं मीवी का कॉलर लेने के लिए तो मीवी का कॉलर आप ले सकते हैं। और स्पीकर की बात करें तो 10 वाट का स्पीकर ये आप ले सकते हैं मीवी का मूनस्टोन। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मीवी का परचेज कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उधर से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो लाइक कर सकते हैं ना, ऐसे बने साथ ओवल जरिए बात माता की जय।